वैसे सच कहूँ ये डे आउट सेगमेंट ना मेरा बड़ा फेवरेट है. वो क्या है ना, देखिए सीरियल के सेट पर तो हम हर बार जाते हैं, हाय हेलो नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है ये तो पता लग ही जाता है. लेकिन अगर आप अपने फेवरेट सितारे को कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, एक्चुअल में आपका ऑन स्क्रीन फेवरेट किरदार असल लाइफ में कैसा है वो जानना चाहते हैं, तो दिन तो बिताना होगा ना उसके साथ. तो आज का डे आउट बिताते हैं साम दाम दंड भेद की साधना के साथ, यानी ईवा के साथ. जैसे नाम कितना अच्छा ना, ईवा. साम दाम दंड भेद की साधना जो हमेशा सिर्फ साड़ियों में नज़र आती हैं, लेकिन आज उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे क्योंकि उनकी जो रियल लाइफ है बिल्कुल ही अलग है. तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जुम्बा करते हुए नज़र आ रही हैं. तो साधना यानी कि ईवा जी, किस तरह से आपकी सुबह होती है? मेरी सुबह मोस्टली एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन जुम्बा से होती है. जुम्बा में आई थिंक ओमकार जी बता पाएंगे, आई थिंक कितनी कैलोरीज बर्न करते हैं हम जुम्बा में? एक्चुअली अगर हम 1 आवर्स का ये हमारा क्लास रहता है और इसमें हम कम से कम 800 से 1000 कैलोरीज कम करते हैं. आपको दिखाते हैं मेरे घर का सबसे पहला कमरा. तो इस कमरे में जो है हमारे मेहमानों की एंट्री होती है यहाँ से. तो यहीं से लोग सुंदर सुंदर चीजें देखना शुरू करते हैं, जैसे कि ये है कार्व्ड मूर्तियां. अब मैं आपको एक बहुत ही पुरानी और यूनिक चीज दिखाने वाली हूँ जो अब कहीं नहीं देखने को मिलती. ये है चक्की. पर नाना पर नानी की है तो सेंटिमेंटल रीजंस की वजह से हमने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है. इसको बोलते हैं फेरी गार्डन. तो लिविंग रूम का दरवाजा सबसे पहले आप देखिए. ये एक्चुअली जो है वो पहले ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए यूज होते थे, तो इनको कटवा के, क्योंकि अब इससे प्रिंट कोई करता नहीं, तो इनको कटवा के हमने इसका जो है पूरा डेकोरेशन यहाँ नीचे तक पूरा डेकोरेशन ये ब्लॉक प्रिंटिंग का करवाया है. इतनी सुंदर पेंटिंग और हम सबकी फेवरेट है. मेरी मम्मी ने ये पेंट किया हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है. अभी ये एक पेंडुलम है. तो ये फास्ट हो गया. We'll be right back.
अब हम आ गए हैं गार्डन एरिया में, ये हमारा सबसे फेवरेट एरिया है। यहाँ पे हम कभी कभी सुबह चाय भी पीते हैं जब टाइम हो तब और बारिश ना हो तब। ये जो मगई पान होते हैं जो छोटे वाले, उसकी ये बेल है। मेरी मम्मा, मम्मा पहले एक्ट भी करते थे गुजराती थिएटर वगैरह में, तो एक्टिंग एंड डांसिंग ऑफ कोर्स। डांसिंग तो हमारे सब के रग रग में। हम गुजराती हैं तो गुजरातियों के घर में आई थिंक सबसे ज्यादा और सबसे फेवरेट पोहा बनता है। थोड़ी इमोशनल हो जाती है पुरानी पिक्चर्स देख के। मेरी नानी माँ है, आई थिंक द प्रिटीएस्ट लेडी आई हैव एवर सीन। छोटी थी तब जिद्दी थी, लेकिन अब उसकी जिद निकल गई है, अब नहीं है, अब बहुत समझदार हो गई है। बहुत बहुत ज्यादा जिद्दी थी मैं। बहुत ही, अब नहीं है, लेकिन अब बहुत समझदार हो गई है। ये जो है खाखरा है उस पे वो घी लगा के, और ये जो संभार बोलते हैं इसको, मेथी का संभार, तो वो डालते हैं। ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि एक तो ये हो गया होल व्हीट की जो हमारी चपाती होती है उससे ये खाखरा बनता है। हमारी घर की चपाती जो आपने देखी अभी फूली हुई, उसी का ये खाखरा है। और होममेड घी और ये होममेड मसाला, और इसमें मेथी है और राई है, तो वो भी हेल्दी हो गया। चॉकलेट्स और चिक्की मोस्टली रहती है खाखरे के साथ। चाइल्ड एक्टर मैंने शुरू किया था, फिर होता है कि स्कूल ख़त्म कर लो, कॉलेज ख़त्म कर लो, तो एक लंबा सा गैप हो गया था। उसके बाद फिर मेरी शुरुआत गुजराती थिएटर से हुई, तो मैंने बेसिक जो एक्टिंग वगैरह सीखी है वो सब स्टेज से सीखी है। अब मैं ईवा से साधना बन चुकी हूँ और आपको मिलवाती हूँ मेरी बेटी से वसु और मेरी ननद गायत्री। तो ऐसे ही मेरा दिन रोज गुजरता है, सुबह एनर्जेटिक जुम्बा से लेकर सेट पे हंसी मजाक मस्ती, और जैसे मुझे मज़ा आया आपको दिखाने में कि मैं कैसे अपना दिन स्पेंड करती हूँ, आई होप कि आपको भी उतना ही मज़ा आया हो।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।